स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कोटा सैम्पलिंग के ऊपर ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है और इसको हम अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर हमने पढ़ा था जो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग जब हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम जो है सिस्टमेटिक या क्लस्टर सैम्पलिंग की बजाय कोटा सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में या क्लस्टर सैम्पलिंग में जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है सैम्पल क्रैक्टरिस्टिक्स जो है सब ग्रुप्स बनाते थे या ऑन द बेसिस ऑफ जोग्रफ़िकल लोकेशन हम सब ग्रुप्स बनाते थे तो इसमें भी हम कुछ वैसा ही करते हैं मगर इसमें जो रिस्पोंडेंट की सिलेक्शन है वो नॉन रेंडम बेसिस पे होती है यानी उनकी उनको हम रेंडमली नहीं सेलेक्ट करते बल्कि उनको पिक एंड चूज करते हैं तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम जो है फर्स्ट डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स हम उनको जेंडर की बेस पे रेस की बेस पे एथनिसिटी की बेस पे सोशल स्टेटस की बेस पे प्रोफेशन की बेस पे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं या फिर जोग्रफ़िकल लोकेशन की बेस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एंड अर्बन करेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट डिवीजन की बुनियाद पे उनको सब ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं और जब हम स्टाटा बना लेते हैं तो उसके बाद फिर हम जो है अपने सैम्पलिंग यूनिट को जो है वो अप्रोच करते हैं तो हम इस तरह की जो सैम्पलिंग टेक्निक है कब इस्तेमाल करते हैं आ, कोटा सैम्पलिंग तब इस्तेमाल की जाती है जब सेम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल ना हो अगर सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होगा तो हम फिर सिस्टमेटिक सेम्पलिंग या आपकी जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसकी तरफ जाएंगे और टारगेट पॉपुलेशन में सब ग्रुप्स हों यानी आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है मगर आपको ये मालूम है कि आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें सब ग्रुप्स हैं और टारगेट पॉपुलेशन इज़ जोग्राफिकली डिस्पर्स और आपको ये भी पता है कि आपका जो सैम्पल है वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स है तो इस वजह से हम कोटा सैम्पल करते हैं इसकी दो टाइप्स हैं प्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोपोर्शनेट कोटा सैम्पलिंग ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने स्टेटिफाइड uh, सैम्पलिंग या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग सिस्टमेटिक सेम्पलिंग या क्लस्टर सैम सैम्पलिंग में पढ़ा था कि हम पोपेशनली एलोकेट कर देते हैं सैम्पल को और कुछ या फिर उनको पपोशनली एलोकेट नहीं करते तो कोटा सैम्पलिंग में भी हम ये दोनों मेथड इस्तेमाल करते हैं कि हम uh, जो है ऑन द बेसिस ऑफ सब ग्रुप्स कंट्रीब्यूशन इन द पॉपुलेशन साइज उसकी बेसिस पे जो है हम uh, अपना सैम्पल डिसाइड uh, करें या हम जो है इक्वली या ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन अंडरस्टैंडिंग जो है हम सैंपल uh, में एक सब ग्रुप का सैंपल साइज डिसाइड करें तो उसको हम नॉन प्रोपोर्शनेट कोकटा सैंपलिंग कहते हैं